तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मार्केट में मौजूद सभी आईपीओ के जीएमबी प्राइस के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही हम लोग ये भी कैलकुलेशंस करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको इन आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको एक लॉट की मदद से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों आईपीओ के अंदर हमें कुछ अपडेट भी आते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी आईपीओ के जीएमबी प्राइस के बारे में जान लेते हैं। किसी भी आईपीओ का जीएमबी प्राइस पता करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintaria.com। आपको गूगल के अंदर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए आईपीओ जीएमपी प्राइस टुडे, आपको ये वाला पेज आ जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मनी मिंट आइडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के जीएमपी पेज के ऊपर आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे आना है, देन पेज को नीचे स्क्रॉल कर देना है। तो यहाँ पे पहली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर तनवेल ई मोटर्स का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच ओपन हुआ था। इसका जीएमपी प्राइस लगातार क्रेश हो रहा है और आज के डेट में ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। 59 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 2000 शेयर मिलेंगे। 23 जुलाई यानी आज की डेट में ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में अगर जीएमपी के हिसाब से कैलकुलेशंस करें तो एक लॉट के अंदर हमें 12,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें 65 रुपए के आसपास ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल सकता है। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर कटारिया इंडस्ट्रीज का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 16 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच ओपन हुआ था। इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस 96 रुपए चल रहा है। 96 रुपए इसका प्राइस बैंड भी रखा गया था। एक लॉट के अंदर आपको 1600 शेयर मिले होंगे। 24 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। जीएमपी के हिसाब से अगर कैलकुलेशंस करें तो एक लॉट के अंदर 1,53,600 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 192 रुपए के आसपास ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर मकाऑप टेक्नोलॉजीज का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। 16 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। 18 रुपए इसका जीएमपी प्राइस चला, 75 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया था। एक लॉट के अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। 24 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज के डेट में जीएमपी प्राइस के हिसाब से 21,600 रुपए का पर लॉट के अंदर प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 93 रुपए के आसपास ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल सकता है। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर सन स्टार का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच ओपन रहने वाला है। इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस 30 रुपए चल रहा है। 95 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 150 शेयर मिलेंगे। 26 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में जीएमपी के हिसाब से देखें तो पर लॉट के अंदर 4,500 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 125 रुपए के आसपास ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल सकता है। अगली कंपनी की बात करें तो सार टेलीवेंचर का एपीओ हमें देखने को मिल जाता है। ये एपीओ 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच ओपन रहने वाला है। आज के डेट में जीएमपी प्राइस 16 रुपए चल रहा है। 210 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 600 शेयर मिलेंगे। 19 जुलाई को ये एपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज के डेट में पर लॉट के अंदर 9,600 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 226 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर RNFI सर्विसेज का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच ओपन रहने वाला है। आज की डेट में 66 रुपए इसका जीएमपी प्राइस चल रहा है। 105 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। 29 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज के डेट में इस आईपीओ के अंदर 79,200 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 171 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर VL इंफ्रा प्रोजेक्ट का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच ओपन रहने वाला है। इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस 51 रुपए चल रहा है। 42 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 3000 शेयर मिलेंगे। 30 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में पर लॉट के अंदर 1,53,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 93 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो VVIP इंफ्राटेक का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच ये आईपीओ भी ओपन रहने वाला है। 48 रुपए इसका जीएमपी प्राइस चल रहा है। 93 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। 30 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज के डेट में पर लॉट के अंदर 57,600 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 141 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर चेतना एजुकेशन का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। 14 रुपए इसका जीएमपी प्राइस चल रहा है। 85 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 1600 शेयर मिलेंगे। 31 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में पर लॉट के अंदर 22,400 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 99 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात
बात करें तो इसके अंदर मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग का आईपीओ हमें देखने को मिलता है। 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस 37 रुपए चल रहा है, 56 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 2000 शेयर मिलेगी। 31 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में पर लॉट के अंदर 74,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 93 रुपए के आसपास ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल सकता है। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर क्लिनिटेक लेबोरेटरीज का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच ओपन रहने वाला है। इस आईपीओ के जीएमपी प्राइस के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो अभी के लिए हम लोग इस आईपीओ को अवॉइड करेंगे। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर ट्रोम्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी सोलार्स के अंदर काम करती है। ये आईपीओ 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच ओपन रहने वाला है। जीएमपी प्राइस 66 रुपए चल रहा है, 115 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। आज के डेट में पर लॉट के अंदर 79,200 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 181 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो एसेटेक सॉफ्टवेयर इंडिया का आईपीओ हमें देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 26 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच ओपन रहने वाला है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी आईटी और एआई सेगमेंट के अंदर काम करती है। इस कंपनी का टाई अप गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ है। तो जल्दी ही हमारे चैनल्स के ऊपर इसका डिटेल्स रिव्यू वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को भी लाइक कर दे, ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस 42 रुपए चल रहा है, 59 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 2000 शेयर मिलेंगे। 2 अगस्त को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में पर लॉट के अंदर 84,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 101 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। एक आईपीओ हमें और ओपन होते देखने को मिल जाएगा, बट इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मूवमेंट नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 आईपीओ को जो है अवॉइड करने वाले हैं। तो जो भी आईपीओ के जीएमपी प्राइस थे हमने उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया। फिर भी इस वीडियो के अंदर आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो के नीचे आपका एक कमेंट करिएगा। देन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, देन हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।